बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदादा ना लो। और इंडिया में जो जनरल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं, लेकिन वो जनरल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबाज से पुकारा गया। जब आप इस तरीके से अपने मुल्क की दौलत को लूटेंगे, और ये क्लियर है कि वो दौलत जहां कहीं से भी आती है वो दौलत आपके ओहदे के साथ मैच नहीं करती। माने ये 90,000 लोग, आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिया। आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर हमें बैसाखियां क्यों चाहिए होती हैं, जब पता होता है कि मैं दो नंबर हूं, मैं सीट पे बैठने का अहल नहीं हूं। नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें। पिछले दो दिन से लगातार पारा चनार के इलाके में अफगान फोर्सेस शेलिंग कर रही है पाकिस्तानी फोर्सेस पे। पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, क्या खाइफ हैं, डर गए हैं? आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टी को कहें अपना कथार्सल शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को, वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है। आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका, और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को, आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका मेरा मतलब, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है, जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं आप किस तरह